गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज बात करते हैं एग्जामिनेशंस के बारे में। एग्जामिनेशंस एलएलबी या जुडिशरी? नहीं, ना एलएलबी ना जुडिशरी। आज बात करते हैं एविडेंस एक्ट की एग्जामिनेशंस के बारे में। एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशंस के बारे में प्रोविजंस दिया हुआ है सेक्शन 137 में। सेक्शन 137 में तीन तरह की एग्जामिनेशन बताई हुई है। एक बताई हुई है एग्जामिनेशन इन चीफ, सेकंड बताई हुई है क्रॉस एग्जामिनेशन और थर्ड बताई है री एग्जामिनेशन। हिंदी में बोलते हैं मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। बात करते हैं कि इन तीनों की क्या डेफिनेशन है। देखिए, जो एग्जामिनेशन इन चीफ मींस मुख्य परीक्षा कौन करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में ये बताया हुआ है, जो एग्जामिनेशन इन चीफ होती है, जो पार्टी अपने विटनेस को बुलाती है उसके द्वारा ही उसकी परीक्षा करना, एग्जामिन करना, वो होती है मुख्य परीक्षा। मैं एडवोकेट हूँ, मैंने अपनी पार्टीज विटनेसेस को बुलाए और मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, एग्जामिनेशन इन चीफ कर रही हूँ। सेकेंड आता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो विटनेसेस से क्वेश्चन एडवर्स पार्टी के द्वारा किए जाते हैं, मींस मेरा जो विटनेस है और जो मेरा मेरे अगेंस्ट जो एडवोकेट खड़े हैं और वो मेरे विटनेसेस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो होगी क्रॉस एग्जामिनेशन। और री एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पार्टी विटनेस की क्या हो गई, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गई और क्रॉस हो गई, उसके बाद में कुछ इनकंसिस्टेंस आते हैं, तो मैं अपने विटनेस से पूछूंगी कि ये असंगतियाँ जो उत्पन्न हुई है वो कैसे, मीन्स कि मेरे द्वारा ही वापस से मेरे विटनेस की परीक्षा करना, वो होगी री एग्जामिनेशन। ठीक है, देन सेक्शन 138, एक सेक्शन 138 बताया हुआ है। 138 में बताया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। तो 138 ने क्लियर किया कि जब भी कोर्ट में केस चल रहा होगा तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन होगी वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, सेकंड क्रॉस होगी और थर्ड री होगी। ना तो री पहले हो सकती है ना ही क्रॉस पहले होगी। इनकी जो स्टेजेस बताई हुई है, फर्स्ट एग्जामिनेशन इन चीफ होगी, सेकंड क्रॉस होगी और थर्ड री होगी। क्लियर। अब बात आती है कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है। बात करते हैं कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस और री में क्या डिफरेंसेस है। अब देखिए, मैंने बोर्ड पे जिस तरीके से चार्ट बनाया हुआ है, आपको एग्जाम में वैसे ही चार्ट बनाना है। एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, बल्कि वो अट्रैक्ट होगा कि इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो आप अपने मेंस के एग्जाम में इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं और एग्जामिनेशन को ईजी तरीके से समझा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फर्स्ट इसमें डिफरेंस आता है कि इन तीनों में कौन विटनेसेस को बुलाते हैं। सबसे पहले आता है एग्जामिनेशन इन चीफ में, जो पार्टी विटनेस को बुलाती है वो ही क्या करती है, उसकी एग्जामिनेशन करती है एग्जामिनेशन इन चीफ में। क्रॉस में एडवर्स पार्टी के द्वारा विटनेसेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्रॉस में होते हैं। और री एग्जामिनेशन में क्या होते हैं कि जब विटनेस की एग्जामिनेशन चीफ हो गई और क्रॉस हो गई, उसके बाद में कुछ इनकंसिस्टेंस आता है, असंगतियां उत्पन्न होती है, तो मेरे द्वारा ही मेरे विटनेसेस से वापस से एग्जामिनेशन करना, वो क्या होती है, री एग्जामिनेशन। सेकेंड डिफरेंस है कि इसकी स्टेजेस क्या होती है। जैसे कि मैंने बताया कि 138 में इनका क्रम बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन इन चीफ की फर्स्ट स्टेज होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन की सेकेंड स्टेज होती है और री एग्जामिनेशन लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, फिर आता है कि इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इन तीनों एग्जामिनेशंस करने का ऑब्जेक्ट क्या है, आखिर उद्देश्य क्या है। एग्जामिनेशन इन चीफ का ऑब्जेक्ट होता है कि विटनेसेस से वह परिसाक्ष्य दिलवाना जिसके लिए उसे बुलाया गया, मींस कि टेस्टमनी करना जिसके लिए आपने विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया। क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट होता है कि जो विटनेसेस ने जो कुछ भी कहा है उसने ट्रुथ कहा है, सत्य कहा है, मीन्स कि क्रॉस एग्जामिनेशन में उसके द्वारा कही गई बातों की सत्यवादिता को परखना। थर्ड आता है री एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट होता है कि जो भी इनकंसिस्टेंसीज आई है, असंगतियाँ या विसंगतीज उत्पन्न हुई है, तो उसके बारे में हमें उनसे पूछना और उन असंगतियों को दूर करना, ये तीनों इसके ऑब्जेक्ट हैं। फोर्थ आता है कि क्या एग्जामिनेशंस में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आता है एग्जामिनेशन इन चीफ में
कोर्ट की परमिशन के बिना आप विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सेकंड आता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में कोर्ट की बिना परमिशन के आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। सेकंड आता है क्रॉस में कि आप उससे वॉलंटियरली मीन्स स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडम से आप उनसे क्या कर सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थर्ड कहता है री एग्जामिनेशन में न तो आप पार्टी से लीडिंग क्वेश्चन पूछेंगे और न ही किसी न्यू मैटर के बारे में कोई फैक्ट्स पूछेंगे। क्लियर? तो लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में नहीं पूछ सकते, क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और री एग्जामिनेशन में भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं इन तीनों एग्जामिनेशन में। अब एक केस की बात आती है, गोपाल सरन वर्सेस सत्यनारायण का केस है, नोट कीजिए, गोपाल सरन वर्सेस सत्यनारायण का केस है। इस केस में क्लियर हेल्ड कर दिया था कि यदि पार्टी एग्जामिनेशन इन चीफ में मुख्य परीक्षा में आती है, उसके बाद न तो क्रॉस में आती है न री में आती है, तो उसके द्वारा दिए गए एविडेंस वैल्यूलेस होंगे, मीन्स उनके उसके एविडेंस की कोई महत्वता नहीं होगी, वो महत्वहीन हो जाएंगे और उसके एविडेंस को काउंट नहीं किया जाएगा। इस केस में ये क्लियर किया था गोपाल सरन वर्सेस सत्यनारायण में। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि मेरे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, LLB और जुडिशरी के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से मेरे को क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो